नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़। मेवाड़ की बात हमारे स्पेशल सेगमेंट में आज हमारे अतिथि हैं कपिल जी मिश्रा साहब, जिनसे आप वाकिफ़ हैं, उनके मुद्दों से भी वाकिफ़ हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वे हिंदुत्व के लिए लगातार मिशन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं सर। वैसे तो सभी आपके बारे में जानते हैं, लेकिन आज एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का जीवन परिचय रहा है और कैसे आप पार्टी से जुड़े हैं लेकिन अब हिंदुत्व की तरफ आप बढ़ रहे हैं। नहीं, ये तो हम लोगों ने जब दिल्ली के दंगों को देखा और सामने से देखा, उस वक्त कोई और विकल्प ही नहीं था सिवाय इसके कि इकट्ठे हों और एक दूसरे की मदद का हाथ बढ़ाएं। तो वहीं से ये मिशन शुरू हुआ हिंदू इकोसिस्टम का। और पिछले साल हम लोग उदयपुर भी आए थे कन्हैया लाल जी के परिवार की मदद के लिए। आज यहाँ पर छात्र संघ के शोध छात्र संघ के अध्यक्ष अनुपम ब्रवर जी का शपथ ग्रहण और कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम है, उसमें मैं, अंजू जी, हम सब लोग, दिनेश जी, हम सब लोग आए हुए हैं। अगर हम दिल्ली की राजनीति की बात करें तो कुछ मिशन जो आपके रहे हैं और लगातार आप काम करते रहे, जैसे वहाँ का जो कुछ पानी का जो एक इशू था उसके ऊपर भी आपने बात की, लगातार आपके द्वारा जो मांगे उठाई रही, क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, दिल्ली की राजनीति में इस वक्त संक्रमण का काल है और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई दिल्ली की जनता लड़ रही है। उसमें दिल्ली के 2 भ्रष्ट मंत्री ऑलरेडी तिहाड़ जेल में जा चुके हैं और बाकी भ्रष्टाचारियों को किस प्रकार से उनकी सही जगह तिहाड़ जेल पहुँचाया जाए, इसका एक जन आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और अपनी सही दिशा में है। मंत्रियों की तो लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, आप उस पार्टी के हिस्सा रहे, लेकिन आज आप क्या देखें? देखिए, आम आदमी पार्टी में जाने वाले और आने वाले, अगर इनका दोनों का आप नाम देखें तो स्थिति अपने आप समझ में आ जाती है। जाने वाले लोगों में कुमार विश्वास भी गए, किरण बेदी जी भी गए, वी के सिंह जी भी गए, और आने वाले लोगों में सुशील गुप्ता जी जैसे लोग आए, तो किस दुर्गति में है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अंत तिहाड़ जेल में होगा, ये मैंने 6 साल पहले कहा था, अब वो सत्य हो रहा है। कन्हैयालाल जैसा फिर कांड नहीं हो और हिंदुत्व की भावना को लेकर जिस तरह से आपका बयान भी देख रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं? और कन्हैयालाल के जिस तरह का जो मामला हुआ उसके बाद में उदयपुर में आप पहली बार आए थे, क्या देखा और अभी उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, कन्हैयालाल जी के साथ जो हुआ है वो एक सोच है, सर तन से जुदा की सोच। और केवल कन्हैयालाल जी के साथ नहीं, वो अमरावती में उमेश कोल्हे जी के साथ भी हुआ, कर्नाटक में प्रवीण नेटालू जी के साथ भी हुआ, तो देशभर में पिछले साल हमने खासतौर पर रामनवमी के आसपास इस प्रकार की घटनाओं को देखा है। इसमें कम से कम पीड़ित परिवार के साथ पूरा समस्त हिंदू समाज इकट्ठा होकर खड़ा हो, इस मिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि कोई भी परिवार जिसको हिंदू होने के कारण हिंसा का सामना करना पड़ता है वो कभी कमज़ोर ना पड़े और कभी अकेला ना पड़े। भारत कभी परतंत्र नहीं रहा, अभी आपके द्वारा कुछ कहा जा रहा था, आप उसमें उस परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं? नहीं, ये तो जो भी लोग अब इतिहास का दोबारा अध्ययन कर रहे हैं और सच्चे इतिहास को सामने ला रहे हैं, उनका सभी का कहना है कि भारत ने संघर्ष जरूर किया है लेकिन भारत गुलाम कभी नहीं रहा है। और जिन मुगलों को भारत का बादशाह या शहनशाह कहा जाता था, उनकी मैरोली से आगरा तक 200 किलोमीटर में सत्ता रही है, इसके बाहर कभी भी उनका एक छत्र सत्ता देश में कहीं नहीं रही है। सर, अभी आप देख रहे हैं राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसके ऊपर सवाल उठा, सदस्यता निरस्त की, लेकिन लोग सड़कों पर हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है कि पूर्व में इस तरह के कोई उदाहरण सामने आए हैं, क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, स्वयं को भारत के संविधान से ऊपर समझने की भूल कर रहे हैं नकली गांधी परिवार, चाइनीज़ गांधी परिवार, और भारत के संविधान की शक्ति क्या है ये उनको सूरत की कोर्ट ने समझा दी है। टुकड़े टुकड़े गैंग हमेशा ही जिक्र करते हैं आप। हाँ, क्योंकि उससे देश की लड़ाई है और सभी लोगों की लड़ाई है। भारत की राजनीति, भारत के एकेडमिक्स, भारत का साहित्य, भारत की कला, इसमें एक ऐसी विचारधारा थी जो इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। कभी हिंदुओं को जाति में बांटो, अलग अलग समाजों में बांटो, आदिवासी गैर आदिवासी में बांटो, किसी भी प्रकार से इस देश को और समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटो। और दूसरी राष्ट्रवादी विचारधारा है जो एक करने की विचारधारा है, इन दोनों का संघर्ष है और विजय किसकी हो रही है ये दिखाई दे रहा है। सर, चुनाव बहुत करीब हैं, अगर कपिल मिश्रा जी की लोकसभा सीट की बात करें तो पसंदीदा सीट क्या होगी, कहाँ से चुनाव? नहीं, ये कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, जवाब नहीं दिया है, लेकिन कपिल जी मिश्रा ने कहा है कि जिस तरह से देश में जब कुछ बदलाव दिखा जा रहा है, ऐसे में कहीं कहीं युवा भी जाग चुका है और कन्हैयालाल हत्याकांड जिस तरह का हुआ है उसके बाद में लगातार हिंदुत्व की लड़ाई के लिए वे आगे आ रहे हैं। राष्ट्र न्यूज़ को आज उनके द्वारा दिए गए इस विशेष इंटरव्यू में उन्होंने ये साफ किया है कि किस तरह से देश की स्थिति लगातार बदल रही हैं।